नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईएसएल 6 के चौथे वीक के बाद सभी मैच के रिजल्ट और प्लेयर स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं इन्फिनिटी स्पोर्ट्स के सभी दर्शकों को 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके सपोर्ट के बिना मैं इतना दूर तक नहीं जा सकता था, तो धन्यवाद दिल से। तो पहले बात करते हैं आईएसएल के चौथे हफ्ते के सभी मैचों के रिजल्ट के बारे में। तो वीक का शुरुआत कुछ हुआ हैदराबाद एफसी और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के मैच के साथ। जो मैच नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 1-0 से जीत लिया। दूसरा मैच था मुंबई सिटी एफसी और एफसी गोवा के बीच। जो मैच एफसी गोवा ने 4-2 से मुंबई सिटी एफसी को हरा दिया। तीसरा मैच था केरला ब्लास्टर और उड़ीसा एफसी के बीच। जो मैच गोललेस ड्रॉ रहा। चौथा मैच था एटीके और जमशेदपुर एफसी के बीच। जो मैच एटीके ने 3-1 से जमशेदपुर एफसी को हरा दिया। और आखिरी और पांचवा मैच था बेंगलुरु एफसी और चेन्नई एफसी के बीच। जो मैच बेंगलुरु एफसी ने चेन्नई एफसी को 3-0 से हरा दिया। अभी आते हैं आईएसएल के स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट पे, जहां पर चौथे हफ्ते में कुल 14 गोल सभी टीमों ने मिलकर किया है। आईएसएल के चौथे हफ्ते खत्म होने के बाद सबसे ज़्यादा गोल करने वाले प्लेयर हैं रॉय कृष्णा, साजियो कास्टल, एडू गार्सिया, कोरो, आर्दान सांटार और डेविड विलियम्स। इन सभी प्लेयर ने 3-3 करके गोल किए हैं। उसके बाद आते हैं सबसे ज़्यादा सेव करने वाले गोलकीपर, वो हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के सुभाषिस रॉय, जिन्होंने कुल अब तक 18 सेव कर चुके हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा पास देने वाले प्लेयर, वो हैं बेंगलुरु एफसी के डीमास डिलग्लाट, जिन्होंने कुल 266 पास दे चुके हैं। सबसे ज़्यादा असिस्ट करने वाले प्लेयर हैं अब तक जेरी और ब्रेंडन फर्नांडिस, दोनों ने 4 मैचों में 3-3 करके असिस्ट कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं सबसे ज़्यादा क्लीन शीट देने वाले गोलकीपर के बारे में, वो है बेंगलुरु एफसी के गुरप्रीत सिंह संधू, जिन्होंने कुल 4 मैच में 3 मैच क्लीन शीट किया है। अब बात करते हैं बेस्ट प्लेयर रेटिंग, जो है बेंगलुरु एफसी के एरिक पातालू, जिनके रेटिंग है 9.66। अब बात करते हैं गोल्डन बूट के दावेदारों के बारे में, वहाँ पर सबसे ऊपर है आर्दियान सटनर, जिन्होंने 4 मैच में 3 गोल और 1 असिस्ट के साथ टॉप पर हैं। अभी बात करते हैं चौथे हफ्ते ख़त्म होने के बाद आईएसएल के लीग टेबल के बारे में। लीग टेबल पे सबसे ऊपर है एटीके 9 अंकों के साथ, उसके बाद है एफसी गोवा 8 अंकों के साथ, उसके बाद आते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड 8 अंकों के साथ, जमशेदपुर एफसी 7, बेंगलुरु एफसी 6 अंकों के साथ, उड़ीसा एफसी 4 अंकों के साथ, केरला ब्लास्टर 4, मुंबई सिटी एफसी 4, हैदराबाद एफसी 3 अंकों के साथ और चेन्नई सिटी 1 अंक के साथ सबसे नीचे आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।